नमस्कार, मेरा नाम है रतन सिंह और मुझे बहुत ही दांतों की समस्या थी। पूरे मेरे दांत मतलब ख़राब हो गए थे। तो जो बेसिक रोटी कपड़ा और मकान जिसके लिए हम जीते हैं, तो रोटी मैं खा नहीं पा रहा था और लगभग ये 3-4 साल से हो रहा था मुझसे। और कोरोना के कारण इस ट्रीटमेंट के लिए मैं भी थोड़ा डीले कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे एक वीडियो देखा मैंने इनका, डॉक्टर मयूर खेरनार का, तो मुझे लगा कि कुछ हो सकता है। तो मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं जब यहाँ पर आया तो पहले दिन से लेके मतलब मेरा 23 से चालू हो गया सर्जरी, और उसके बाद फिर 25 दिन के बाद में मुझे कंप्लीट फुल डेंचर इम्प्लांट मिला, जिसको लगाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दांतों का नया जीवन हो गया है। और मैं सच बताऊँ तो मेरा जो प्रोफेशन है गाने का, मिमिक्री करने का, तो उस प्रोफेशन में भी मैं बोल नहीं पाता था और लोगों के सामने जब मैं जाता तो शर्म करता था, क्योंकि पूरे मेरे दांत खराब हो गए थे। और मैं आपके लिए एक अमिताभ की आवाज़ निकाल देता हूँ, अरे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। 5 दिन के बाद में जब मेरे पूरे इम्प्लांट लगाए गए, अब देखेंगे आप, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि पूरे मेरे परिवार ने जब देखा तो उन्हें लगा कि वाकई में यार ये तो नया चमत्कार है। और मैं आने वाले और कई लोगों को जो दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि बेझिझक होकर आप यहाँ पर आइए, प्रिसीजन डेंटल वर्ल्ड में आइए, मिलिए इनसे, एक बार सलाह मशवरा कीजिए, बिल्कुल आपको एक नया जीवन मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम संकोच करते हैं डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, डॉक्टर के पास, जैसे डॉक्टर बोला तो हम एक घबराहट हो जाती है, लेकिन बिल्कुल घबराइए मत, बिना संकोच होकर आइए, मिलिए एक बार और देखिए, आपको भी एक नया जीवन नहीं मिलेगा तो मैं, मेरी गारंटी है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मैं, जब मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद में 5 दिन के बाद में पहली बार मैंने सैंडविच खाया, जो कि मैं कभी सलाद नहीं खा पाता था, लेकिन जब मैंने उसके अंदर जो गाजर, मूली, ककड़ी सब जितना मैंने सैंडविच खाया, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई में यार ये तो चमत्कार हो गया है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि भाई आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जब जानकारी हो जाती है तब पता चलता है। और आजकल देखिए, और एक अच्छा माध्यम है यूट्यूब, यूट्यूब के वजह से ही मुझे इनके यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला, नहीं तो मैं कहाँ पहुँच पाता। क्योंकि पहले क्या था कि हम कांटेक्ट में नहीं आते थे, हमें नहीं पता चलता था, खाली हम एक दूसरे से सुनते थे कि भाई हाँ ये फला फला डॉक्टर है, लेकिन जाने के लिए झिझकते थे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, पहले दिन से मुझे यहाँ के जो स्टाफ है, डॉक्टर्स है, पूरी इनकी टीम इतनी शानदार है, इतनी बेहतरीन है कि मैं क्या बताऊँ। मैं जितना भी इनको आशीर्वाद देना चाहूँगा, मैंने डॉक्टर से कहा भी कि जो भी हेल्प चाहिए, आने वाले और भी जितने लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि जाने वो देखे और बिल्कुल भी संकोच ना करें, आप आइए एकदम इत्मीनान होकर आइए, एकदम और एकदम रिलैक्स होकर जाइए और आपका एक नया जीवन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, चेहरे पे क्या है, ये जो दांत अगर नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे कैसे। और मैं खुद 50 का होके मैं 80 का लग रहा था, लेकिन अब जैसे आज मैं आया, डॉक्टर ने कहा कि आप 25 के लग रहे हो, ये तो चमत्कार है ना। तो इससे मैं और बढ़िया क्या चाहूँगा। और जीवन में अगर दांत नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या, धन आपके पास है लेकिन क्या काम का है। लेकिन जब आप उसको अच्छे से उसको यूज़ करेंगे, आपने ट्रीटमेंट किया, आज मैं उससे इतना प्रभावित हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि मैं सच बताता हूँ कि आने वाले जो भी लोग हैं मुझे अगर देख रहे हैं तो ज़रूर बिना संकोच आइए, यहाँ पर प्रिसीजन डेंटल वर्ल्ड में आइए, एक बार मुलाकात करिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। और मैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुछ आवाज़ें भी निकालता हूँ, तो मैं पहले बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाल पाता था, कोई मेरे से आवाज़ नहीं निकलती थी, मेरी बेटी
छोटी थी जो बोलती थी कि डैडी आप तो अभी दादाजी बन गए, तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि क्या बताऊँ मैं अभी। लेकिन अब मेरी आवाज़ जब लगने के बाद में, इम्प्लांट होने के बाद में जब मैं गया, तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे ने ये कहा कि डैडी आपकी पहली जैसी आवाज़ आ गई। और मेरी वाइफ ने तो कहा कि जैसे आप शादी करके हम आए थे तब मेरी आवाज़ जो थी ना वही आवाज़ हो गई ओरिजिनल। तो इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट और क्या चाहिए। और मैं आपके लिए अजीत जी की आवाज़ देखिए, सारा शहर हमें लॉइन के नाम से जानता है, हिंदुस्तान में किसी की हैसियत नहीं है जो लॉइन को मार सके। मोना तुम सोना लेके आओ, माइकल तुम साइकिल पे जाओ, पूरा शहर हमें लॉइन के नाम से जानता है। और भी मैं आपको गा के भी बताता हूँ कि किशोर कुमार का एक गीत है, राह में रहते हैं यादों में बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन ओ हम तो सफ़र करते हैं, जल गए जो धूप में तो साया हो गए, आसमां का कोई कोना ओड़ा सो गए, जो गुजर जाती है बस उस पे गुजर करते हैं, राह में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा प्रिसीजन डेंटल वर्ल्ड को और उनके पूरे टीम को, और ख़ास करके डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मयूर खैरनाथ जी को और उनकी पूरी टीम को फिर से एक बार कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। और आशा करूंगा कि आप लोग भी बेहिचक आइए, यहाँ पर आप लोगों का स्वागत है।